ठीक है चलो, अभी हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग को भी मॉडल बनाते हैं, मॉडल को हमें करना है कि आज मॉडल बनाएंगे और स्कल्प करेंगे जीबीएस में, तो माया से मॉडल को कैसे लेके जाते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ राइट क्लिक एंड मैंने यहाँ पे एक पॉलीक्यूब ले लिया पे, ठीक है पॉलीक्यूब मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है अभी देखो, मैं एक पॉलीक्यूब ऐसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे करके मैं मैनेज कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं यहाँ से भी क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट करने में यहाँ पे यहाँ से मैंने क्या इंटरेक्टिव क्रिएशन कर दिया, तो क्रिएट करके मैं यहाँ पे पॉलीक्यूब पे गया, तो बाई डिफॉल्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है फ्रंट पे गए, इस चीज़ को मैंने यहाँ पे मैंने मैनेज किया, ये पार्ट में बस यहाँ पे है। ठीक है पिवट मुझे हमेशा सेंटर पे ही रखना है, देखना है यहाँ पे डब्ल्यू डी एन एक्स, यहाँ पे इसका मैं स्केलिंग करूँगा। एक चीज़ ध्यान रखना, माया से जब जीबस में ले गया था तो इसका स्केल बड़ा होता है। ठीक है अभी मैंने ये काम किया तो मैं इसको स्केल सिंपल पार्ट मैंने 10 times बढ़ा दूँगा। यहाँ पे मॉडल बड़ा आएगा तो स्कल्पटिंग करने में ईजी रहता है, इसलिए हम लोग इसमें बेसिक चीज़ को समझते हैं यहाँ पे। ठीक है दूसरी चीज़, जब मैं माया से कोई मॉडल लेके जाता हूँ तो पहले मेरे मॉडल को यहाँ पे क्या करना है, मुझे अनरैप करना है। ठीक है तो अनरैप करने से पहले अनरैप पहले करेंगे, यहाँ पे छोटा सा काम करता हूँ, बी प्रेस कर दिया, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे, और एक फेसेस मैंने सिंपल से एक्सट्रूड कर दिया, यहाँ पे नॉर्मल से एक्सट्रूड कर दिया ताकि मैं यहाँ पे चीज़ को दिखा सकूँ भाई ऐसा कुछ पार्ट है। ओके जिसको मैंने यहाँ पे दिखाया कि छोटा सा पार्ट है, तो छोटा सा पार्ट को जल्दी से मैंने यहाँ पे लिया। यहाँ पे मैंने क्या करा था, यहाँ पे कहाँ गया हमारे पास एक्सपर्ट यूवी एडिटिंग मोड। ठीक है तो यूवी एडिटिंग मोड में जाते हैं, इसको अनरैप कर लेते हैं, तो यूवी में गए मैंने ऑटोमेटिक कर दिया यहाँ पे। ठीक है एज यू नो वेरी वेल कि मुझे जब अनरैप करना है तो मैं अनरैपिंग में क्या करूँगा, इस वाले पार्ट को पहले जो मेरे पास एक्सट्रूडेड पार्ट उसको मैं अलग निकालूँगा, 1, 2, 3 and 4 मूवेंस यू, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है फेसेस लग करोगे, यहाँ पे देखो फेसेस मेरे पास दिख रहे हैं, तो यूवीज यहाँ पे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं फेसेस लग करके देखूँ, मेरे पास ये पार्ट यहाँ पे है। ठीक है ये कनेक्टिविटी यहाँ पे है क्या, ये देखो यहाँ से मैं ब्रेक कर दूँगा, यहाँ पे एडजस्ट पे गया शिफ्ट एंड सॉरी डिलीट नहीं करता, शिफ्ट यहाँ पे करता हूँ, शिफ्ट एंड कट कर दिया, यहाँ पे सीम बना देना यहाँ पे शिफ्ट एंड कट। ठीक है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फेसेस लग कर दिया यहाँ पे फेसेस। ठीक है तो सेल डब्ल्यू प्रेस कर दिया, ये मैंने यहाँ पे उठा कर रख दिया। इसके बाद यहाँ पे गए सिंपल मूवेंस यू, ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मूवेंस यू, ये मैंने सेट कर दिया यहाँ पे। इसके बाद मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ मूवेंस यू, ये कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है ये देखो पार्ट है यहाँ पे मूवेंस यू। ठीक है अब यहाँ पे क्वेश्चन करो, मुझे ये पार्ट मुझे अलग ही रखना है, जैसे मेरे से पार्ट है ना फेसेस, ये पार्ट मुझे अलग ही रखना है, तो मैं यहाँ पे एजेस को सिलेक्ट करके कट कर देता हूँ। मेन फंडा क्या है कि जो भी मेरे एक्सट्रूडेड पार्ट होगा उसको मैं अलग रखना चाहिए, ये मेन रूल होता है क्या। ठीक है मूवेंस यू कर दिया मैंने, ये पार्ट मेरे यहाँ पे जोड़ रहा है तो मुझे ये पार्ट इसको मुझे नहीं करना, मूवेंस यू कर दिया मैंने यहाँ पे। ओके ये पार्ट मेरे यहाँ पे, ठीक है मैंने यहाँ पे देखा ये पार्ट यहाँ पे जोड़ रहा है, ठीक है मूवेंस यू कर दिया यहाँ पे, तो मेरे ये पार्ट ऐसा कुछ हो गया। तो बेसिक सा पार्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, यूवीज को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है लेआउट लेआउट यूवीज कर दिया यहाँ पे, बेसिक फंडा पता चल गया। यहाँ पे सिलेक्ट करो और आल्फा स्केल हल्का सा छोटा कर लेना, क्या ऑब्जेक्ट मोड यहाँ पे आपका जो लेआउट हो लेआउट से बाहर नहीं जाना चाहिए, अगर आपका लेआउट से बाहर चला गया तो दिक्कत है, तो मेक श्योर आपका जो पार्ट हो जो भी आप यहाँ पे ग्रिड यूज़ कर रहे हो आप यहाँ पे उस ग्रिड के अंदर आपको यहाँ पे चीज़ों को इस ग्रिड के अंदर ये थोड़ा सा छोटा करना। ठीक है दूसरा पार्ट अभी जब आप स्कल्प करोगे तो ये क्या आपका स्ट्रेच भी होगा, तो स्पेस बना के रखना थोड़ा सा स्ट्रेच होने वाला है। ठीक है अभी मैंने ये मॉडल बनाया, ये मेरा मॉडल यहाँ पे आ गया, ये मेरे पास लो मेस हो गया। ठीक है मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इसको यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है मेरे से पार्ट देख रहा है, अभी मुझे जब जीबस में लेके जाऊँगा देखो थ्री प्रेस को तो शेप कैसा ख़राब हो जाएगा, तो मेक श्योर जब जीबस में लेके जाते हैं तो इसके अंदर मुझे डिवीजन ऐड ऑन करना पड़ेगा, तो मैंने अनरैप किया उसके बाद मैं डिवीजन ऐड ऑन कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है तो मैं इसे एज ए लाइक डेस्कटॉप पे मैं डाल देता हूँ माया टू जीबस, ठीक है माया टू जीबस कर दिया मैंने यहाँ पे माया टू जेट पी और ये सब, ठीक है ये कर दिया मैंने। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ सिंपल सा बात, यहाँ पे मैं डिवीजन देता हूँ, तो डिवीजन में यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे देखो एजेस देना है, तो मैं एजेस कैसे दे सकता हूँ, सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे सिर्फ राइट क्लिक इंसर्ट एज लुक टूल, ऐसे करके भी मैं मल्टीपल एजेस दे सकता हूँ। देखो तो यहाँ पे देखो यहाँ पे दिख रहा है मल्टीपल एजेस, तो मैं मल्टीपल एजेस लुक में ऐसे दे सकता हूँ, तो ऐसे करके आएगा। ठीक है दूसरा पार्ट यहाँ पे एक होता है ऐड डिवीजन का एक ऑप्शन होता है यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो मेरे पास कहाँ गया ऐड डिवीजन करके मुझे ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, तो मैं उनको तो मैं ऐड ऑन कर लूँगा मैस यहाँ पे, और यूजली हम लोग देखें यहाँ पे तो कहाँ गया ऐड डिवीजन, यहाँ पे देखें एडिट मैसेज मिलेगा आपको यहाँ पे, ये ऐड डिवीजन क्या करता है इक्वल ही डिवीजन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा तो वन बाय वन करके सब जगह इक्वल आ गया। ठीक है मैंने अंडू किया यहाँ पे, मैंने कहा 5 कर दिया यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो ये देखो अभी ये जो पार्ट है इस वाले पार्ट को मैंने मैनेज कर दिया, यहाँ पे मेरे पास 5x5 दिया था, तो इक्वल डिवीजन देना तुमको टाइम नहीं लगा, ये ऑप्शन यहाँ पे काम आ जाता है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया इसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट करने के लिए मेरे पास ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन मेजर जो इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं गेमिंग और प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ,
तो आपको यहाँ पे जो काम करना होगा वो करना होगा OBJ और FBX, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टोन, ठीक है। यहाँ पे एक्सपोर्ट में जाकर यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिल जाएगा मुझे, यहाँ पे ये FBX, ठीक है, FBX है और OBJ, इन दोनों को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टोन पे गया और एक्सपोर्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या करते हैं, ZBrush ले लेते हैं यहाँ पे, ZBrush में गए, ZBrush में मॉडल हम लोग इम्पोर्ट करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें दो तीन ऑप्शन हमें ध्यान रखना है, मॉडल सेंटर पर है तो काम करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, आपका सिमेट्रिकल अगर है तो सिमेट्रिकल को कैसे मैनेज करना, पहले से मैनेज करके लाना पड़ेगा। आपने हल्की हल्की फुल्की प्लेसमेंट अगर चेंज करी तो दिक्कत आएगी, स्टार्टिंग स्टूडेंट्स के लिए ये दिक्कत होती है क्या, ठीक है। यहाँ पर मुझे लोड करता था, अभी यहाँ पर इम्पोर्ट करना है। जब भी OBJ, FBX हो, STL हो और अलग अलग फॉर्मेट है, वो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, डेस्कटॉप पे गए, वेदर डेस्कटॉप, ठीक है, माया तू मेरे पास, यहाँ पे स्टोन मैंने लिया, क्लिक एंड ड्रैग एंड टी प्रेस कर दिया यहाँ पे, तो ये मेरा स्पॉट आ गया, शिफ्ट एफ, यहाँ ध्यान दो, ये देख रहे हैं डिवीजन मेरे पास यहाँ पे आ गया। तो मैं डिवीजन के साथ यहाँ पे मैं मैनेज कर पाऊँगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या है, ज्योमेट्री पे गए, ज्योमेट्री पे जाने के बाद यहाँ पे देखो, पी प्रेस करो, पी से प्रोजेक्ट ही है, अलग अलग दिखता है, तो ध्यान देना पे, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, जब मैं नया मॉडल बनाता हूँ, ZBrush में बनाता हूँ, तो मुझे मेक पॉलीमर 3D करना पड़ता है, लेकिन जब मैं माया से लेके आऊँ तो यहाँ पर मुझे करना नहीं पड़ेगा, पहले से होगा। डिवाइड कर सकता हूँ, आपको डिवाइड करना है यहाँ पे, दो तीन डिवाइड किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जस्ट मुझे यहाँ पे क्या करना, शिफ्ट एफ। अभी यहाँ पे मैं मटेरियल चेंज कर लेता हूँ, लाइक मुझे मटेरियल अच्छा लगता है तो मैं इसमें देखता हूँ, थोड़ा सा डिटेलिंग अच्छे दिखते हैं यहाँ पे। ट्रिम डायनेमिक टूल होता है क्या, ट्रिम डायनेमिक टूल से मुझे इन चीज़ को तोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा ब्रेक कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा ब्रेक करना मुझे आना चाहिए यहाँ पे, चीज़ों को मैं कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ऐसे करके देखो, ये जो पार्ट होता है सिंपल स्टोन्स, अगर आपको दिखाना है तो स्टोन्स के लिए आपको यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा कि भाई मैं कैसे क्या काम करता हूँ, देखो, ठीक है। जस्ट काइंड ऑफ वो कहीं से ऐसा लगे नहीं कि आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन माया से बना हो। अभी देखो ये डिटेलिंग माया में नहीं हो पाएगी, ठीक है, और जो करने वाला वो भी बहुत ज़्यादा टाइम लेगा यहाँ पे। तो ये काम मेरे पास यहाँ पे बहुत जल्दी, कुछ एक मिनट में मैं ये चीज़ को फुलफिल कर सकता हूँ। देखो ये कनेक्टिविटी है, देखना ये एक पार्ट में थोड़ा सा ऐसे जल्दी से ब्रेक करके दिखा सकता हूँ। मेरे पास इसी में, जैसे मैं चैनल पे, आप जाओ चैनल पे, मैंने इसमें ट्रिम डायनेमिक के भाई बहन भी बहुत हैं, अलग अलग टाइप से अलग अलग काम भी होते हैं यहाँ पे, ठीक है। उनको भी आप यूज़ करके आप काम कर सकते हैं यहाँ पे, नहीं यहाँ पे। तो ये जस्ट काइंड ऑफ यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चीज़ को मैंने मैनेज किया कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है, तो मैं यहाँ पे शेप्स को मैं थोड़ा सा ऐसे भी देखो रेगुलर शेप में थोड़ा सा मैं मैनेज करने वाला यहाँ पे। चीज़ों को ब्रेक करना आना चाहिए आपको यहाँ पे, ठीक है। ब्रेक करने के बाद आपको थोड़ा सा आइडिया मिले कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जस्ट जस्ट काइंड ऑफ ये आपने थोड़ा सा यहाँ पर दिया, देखो कैसे कैसे ब्रेक्स हैं यहाँ पे। तो ये काम आप यहाँ पे थोड़ा सा कर सकते हो आप यहाँ पे, कि भाई मुझे ऐसे कुछ काम करना है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा देखो, मैं थोड़ा सा मैं ब्रेक भी करना, थोड़ा सा चीज़ों को मैं ऐड ऑन भी करना, देखो। तो ऐसे भी करके मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है तो मैं कैसे क्या कर सकता हूँ। तो बेसिक्स मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करना है। अभी यहाँ पे मुझे क्या, मुझे थोड़ा सा पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम कर रहा हूँ तो मैं काम कैसे कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पे तो बहुत चीज़ों को ऐड ऑन करना है, ऐड ऑन करना मुझे आना चाहिए। मुझे यहाँ पे जैसे देखना, अभी यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कट्स है, तो कट्स को कैसे मैं डिफाइन कर सकता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे गया सिंपल डैम स्टैंडर्ड टूल, मैंने आपको बताया डैम स्टैंडर्ड टूल है यहाँ पे, तो डैम स्टैंडर्ड टूल से यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कुछ क्रैक्स ऐसे हैं जो क्रैक्स मैं दिखाना चाहूँ, तो क्रैक्स को मैं ऐसे दिखा सकता हूँ भाई। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा क्रैक्स को यहाँ पे साइज छोटा किया, यहाँ पे देखो ये क्रैक्स यहाँ पे दिख रहे हैं, देखो ये क्रैक्स आपके पास ऐसे ऐसे, ठीक है। ये इधर से थोड़ा सा क्रैक्स को यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे दिखाया, तो ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिनको मैं थोड़ा सा अलग से यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ। ऐसे कुछ बनाना है तो मैं बना सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे कुछ कर्ट्स हैं, कर्ट्स देना चाहो मैं कर्ट्स दे सकता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, देखो क्रैक्स यहाँ पे थोड़ा सा मैं इधर से ऐसे को दिखा सकता हूँ, मुझे ऐसे को देना है। कुछ मैनुअल बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ चीज़ों को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं अल्फ़ा भी यूज़ करते हैं। इज़ यू नो वेरी वेल कि मैं आप लोगों को पहले भी बोल चुका हूँ, अल्फ़ा थोड़ा सा बनाओ। अल्फ़ा बनाने से क्या होता है, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पे पता चलेगा मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ। देखो अभी इनको अगर मैं चीज़ों को मैनेज करने जाता हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, चीज़ों को मैं कैसे लुक एंड फील दे सकता हूँ, ठीक है। तो लुक एंड फील देने का पार्ट भी आपको यहाँ पे क्या है, जैसे अपने यहाँ पे चीज़ों को देखो, टूल्स हैं, क्ले बिल्डर है, क्ले बिल्डर से मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं तो ऐसे यहाँ पे चीज़ों को तो मैं ऐड ऑन करता हूँ यहाँ पे। क्या ऐड ऑन करना है, जैसे को यहाँ पे मैं तो ऐसा, अगर इसी में छोटे मोटे स्कल्पिंग का काम कर जाएगा हो जाएगा, अदरवाइज मुझे यहाँ पे दिखाने की मैं तो ऐसे चीज़ों को मैं अगर ऐसा कुछ दिखा रहा हूँ कनेक्टिविटी, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे भी चीज़ को मैं मैनेज करने वाला हूँ। तो मैं कुछ स्टेप से भी चीज़ को ऐड और लेस कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है।
ओके ऐसे भी मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पर, मुझे कुछ इसको अगर ऐड ऑन करना है तो ऐड ऑलस यहाँ पे किया जा सकता है। यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स को अगर आप देखोगे समझोगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि आपने क्या किया, माया से लेके आया, माया से चीज़ों को मैनेज किया। अभी मैं आपको थोड़ा सा अल्फा भी यूज़ करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं उसको यहाँ पे अल्फा एंड अल्फा को मैं यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड बस ले लेता हूँ, स्टैंडर्ड बस में क्या अल्फा में यहाँ पे क्या यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो इंपोर्ट में मैं एक आध इमेज भी इंपोर्ट कर सकता हूँ, मैं बल्क में भी इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे बस कुछ 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 एक पार्ट देख रहे हैं, जैसे मुझे क्रैक देना है, ठीक है। तो क्रैक्स का भी पार्ट जैसे मैंने बताया, ये देखो यहाँ पे ऐसा कुछ सेवन नंबर यहाँ पे काम करेगा यहाँ पे। तो क्या करोगे आप, यहाँ पे ड्रैग पे जाना है यहाँ पे, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान देना, डिविजन्स ये अल्फा जब भी यूज़ करता हूँ फिफ्थ और सिक्स लेवल पर ही देखते हैं, ठीक है। और लेयर ऑन करना मत भूलना, क्योंकि कम ज़्यादा करना पड़े तो आप कर सकते हो यहाँ पे। देखो यहाँ पे दिख रहा है, अभी आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है यहाँ पे, मैथ हम लोग लेके आए, दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे पार्ट कैसे क्या काम करना है, स्ट्रेंथ कितना करना है, ये चीज़ मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। मुझे देखो यहाँ पे दिखा है मैंने, अभी ये जो डिटेलिंग मैं मैनुअल निकालने जाऊँ तो बहुत टाइम लगेगा। यहाँ देखो कितना बढ़िया डिटेलिंग आ रहा है आपको यहाँ पे, तो डिटेलिंग आप यहाँ पे ऐसे करके दिखा सकते हो। तो ऐसे भी कुछ पार्ट है, इसको अगर मैं निगेटिव कर दूँ तो निगेटिव में भी दिखेगा आपके यहाँ पे, ठीक है। ऐसा मैंने कर दिया यहाँ पे, देखो ये पार्ट दे रहा यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे किया, अब मैं यहाँ पे मैंने लेयर पे जाकर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पॉइंट टू कर दिया यहाँ पे, देख रहे हैं आप। तो ये पार्ट मैं बस ऐसे करके मैं दिखा सकता हूँ। तो लेयर का बेनिफिट पता चला, ठीक है, इंपैक्ट आपको पता चला कैसे क्या काम करना है। अभी जो छोटी छोटी चीज़ें उनको मैं दोस्तों आपको यूज़ करके दिखाता हूँ कि भाई कैसे कैसे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रैक्स, ठीक है। तो क्रैक्स मैंने यहाँ पे दिखा, क्रैक सॉलिड आपको देखिएगा यहाँ पे। अभी ऐसा कुछ क्रैक मुझे दिखाना है, तो ऐसे क्रैक में अच्छे अच्छे लोग को टाइम लगता है, ठीक है ना। एक चीज़ों को आपने किया, कुछ क्रैक्स आपको मैनुअल बनाने, कुछ क्रैक्स आपको ऐसे भी डील करने कि आपने क्रैक दिया, ठीक है, हमें पता है इन क्रैक्स को हम लोग कम ज़्यादा करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस एंगल देखो, इस एंगल में देखना है भाई, अब देखो यह एंगल भी ऐसे दिख रहा है, ऊपर देखो कम जा रहा है भाई। तो ये भी समझना कि एक एंगल वाइज ही ये काम करने वाला है, मैं ऐसे कुछ काम होता है ऐसे कुछ अलग देखेगा यहाँ पे, ठीक। तो इन चीज़ों को मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना है। मेरे पास क्रैक्स मैंने बना रखे हैं यहाँ पे और काफ़ी चीज़ों को यहाँ पे रखा हुआ है, कलेक्शन रखा है। तो कलेक्शन रखने के बाद मैं चीज़ों को थोड़ा ऐसे भी मैं मैनेज कर सकता हूँ भाई, मुझे कैसे और किस टाइप से चीज़ को दिखाना है, ठीक। टर्न कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ, यहाँ पे चीज़ को दिखा रहा हूँ, तो मेरे चीज़ दिखेंगे यहाँ पे भाई, ऐसा कुछ पार्ट है तो मैं थोड़ा सा मैनेज करके दिखा रहा हूँ। तो ये मेरे पास एक लेवल है, मैं देखो अभी ये जब हम लोग बनाने बैठे तो यहाँ पे मुझे फिर कलेक्ट करने की नीड ना पड़े, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा ऐसे कुछ दिखा दूँगा। तो हर तरफ से मैं थोड़ा सा इधर से कुछ अलग अलग क्रैक को मैंने ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये जस्ट काइंड ऑफ यहाँ पे, ठीक है, चीज़ को देखने के भाई क्या अच्छा लग रहा है किस टाइप से। अभी मैं ऐसे जस्ट यूज़ बता रहा हूँ आपको, रेफरेंसेज थोड़ा सा फॉलो करने, ठीक है। रेफरेंसेज फॉलो करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि क्या काम करना है। जस्ट एक बेसिक सा पार्ट मैं आपको गो थ्रू करके दिखा रहा हूँ भाई, मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट देखो यहाँ पे, कुछ ऐसे भी पार्ट यहाँ पे देखो यहाँ पे, देख रहे भाई ये पार्ट आपको थोड़ा सा और लुक वाइज थोड़ा सा चीज़ को बेटर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं इनको लाइक मल्टीपल ऐसे करके भी मैं मैनेज कर सकता हूँ पे, देख रहे भाई। अब ये जो पार्ट है इतनी डिटेलिंग मुझे माया में और किसी और चीज़ में बनाने की नीड नहीं है, काम मेरे पास ऐसे ही हो जाएगा। और पॉलीगन भी एक्स्ट्रा नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं चीज़ों को ऐसे भी कुछ मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, छोटे छोटे पार्ट को कहीं छोटे स्केल कहीं बड़े स्केल, तो ऐसा मैं चीज़ों को मिक्सअप कर दूँगा यहाँ पे, तो थोड़ा सा बेटर दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट हमने यहाँ पे थोड़ा सा कवरअप कर दिया ऐसा कुछ कहकर, ठीक है। छोटे बड़े स्केल के साथ आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, तो ये हम थोड़ा सा ऐसे कुछ काम कर लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने काम किया, देखो ये पार्ट में बस एक हल्का सा पार्ट दिखाया, ये एक अलग लेवल दिखेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, इतने पार्ट को लिया मैंने यहाँ पे और मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैंने मैनेज कर दिया पॉइंट टू, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैं अभी दिख रहा है यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैं कोई एक पार्ट यूज़ करने वाला, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को दिखा सकता हूँ भाई। मैं बस देखो यहाँ पे ये मना करेगा क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्डिंग मोड नहीं है, एक आई से एक बगल में रिकॉर्डिंग मोड है। तो रिकॉर्डिंग मोड ऑन करने के बाद ही हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी क्या किया, ठीक है, मैं दूसरे पे मैं काम कर दूसरा ले लिया मैंने यहाँ पे, जिस मैंने अभी क्या किया, अभी मैं इसमें मैं कोई काम करने वाला, तो मैंने अभी क्या किया, तो और से अलग अलग लेवल भी मैं लेता हूँ यहाँ पे। देखो अलग अलग लेवल में क्या क्या अवेलेबल है, यहाँ दिख रहा है भाई, मैं मैनुअल चीज़ों को मैं मैनेज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे दिख रहा है भाई, तो मैं ऐसे करके दिखाऊँ तो अभी उसका लुक एंड फील अलग दिखेगा आपको यहाँ पे, अपने यहाँ पे जो काम किया देखो यहाँ पे। तो ये अल्फा में आपकी चीज़ आपको बहुत बेटर दिखने वाला है, ठीक है। ये क्लिक कर दिया आपने, ऐसा कुछ ड्रैग कर दिया यहाँ पे, चीज़ आपको अलग दिखने वाला, तो ये भी आपका एक अलग लेयर पे मैनेज होगा कि भाई आप ऐसा कुछ काम करने वाले हो, ठीक है। तो ये क्लिक एंड ड्रैग, ये आपका ऑप्शंस आपको यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, देखो यहाँ पे, ठीक है। स्केलिंग के साथ भी मैनेज करेंगे और देन चीज़ों को कैसे यूज़ कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे, तो यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे, थोड़ा सा पार्ट मुझे ऐसे भी दिखने वाला लाइक दिस, ठीक है। इस टाइप से चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पर चीज़ों को मैं मैनेज करके दिखाऊंगा, देखो मैं एक बेसिक शेप्स को मैंने यहाँ पे चीज़ों को डील किया, इसको भी मैं इसका लेयर वाइज मैं यहाँ पे काम करूँगा पॉइंट टू करके देखो यहाँ पे। तो यहाँ देखो यहाँ पे
तो आपको चीज़ें थोड़ा सा दिखेंगी, आपने कॉर्नर्स ब्रेक कर दिया, थोड़ा सा आपने बेसिक इंपैक्ट दे दिया, इस टाइप से आपको स्टोन और बाकी कुछ चीज़ बनाना तो उसमें टाइम लगता है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो बहुत जल्दी हम लोगों ने बेसिक लुक एंड फील दे दिया कि चलो देखो मैंने यहाँ पे किया ये पार्ट, मैंने यहाँ पे किया, मैं अभी क्या करता हूँ, मैं जस्ट गूगल पे गया, मैंने कॉन्क्रीट सीमलेस टेक्सचर निकाला, ये मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ऑफिस चलता हूँ जीवीएस में, छोटे से पार्ट में छोटी सी चीज़ को मैं जस्ट यूज़ करके दिखा रहा हूँ। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे भी जेड नहीं चाहिए, मतलब स्कल्पटिंग नहीं चाहिए, मुझे भी आरजीबी एंड मर्ज में यहाँ पे काम करना होता है, ठीक है। तो आरजीबी में यहाँ पे काम करूँ यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा मैंने अल्फा ले रखा है, यहाँ पे टेक्सचर लेता हूँ, टेक्सचर में क्या इंपोर्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, इंपोर्ट में जाके सिंपल सा बाहर डेस्कटॉप पे गए, हमने एक फोल्डर बना रखा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे टेक्सचर ले लिया यहाँ पे। अभी टेक्सचर को यहाँ पे मैनेज कर देखो, टेक्सचर यहाँ पे आता है कि नहीं आता। सबसे पहला काम आरजीबी है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे चीज दिख रहा है, मैं ड्रैगिंग में अल्फा को मुझे ऑफ करना पड़ेगा, टेक्सचर मुझे यहाँ से लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्लिक एंड ड्रैग करो तो यहाँ पर टेक्सचर भी देखिएगा आपको यहाँ पे। तो अगर मैं छोटे टाइप में बहुत जल्दी मैं अगर आपको चीज़ को दिखाना चाहूँ तो आपको देखो टेक्सचर का पार्ट आपका देखिएगा, टेक्सचर आप कैसे मैनेज कर रहे हो, टेक्सचर आप कैसे चीज़ को फुलफिल कर सकते हो, तो आप यहाँ पर चीज़ को दिखा सकते हो आप यहाँ पे कि टेक्सचर को मैंने कैसे मैंने मैनेज किया, किस टाइप से चीज़ को मैं फुलफिल कर सकता हूँ यहाँ पे। वन बाई वन करके आपको थोड़ा सा डील करना है, तो आप टेक्सचर को बहुत सिंपल वे में जल्दी से कैसे आप टेक्सचर आप दे सकते हो आप यहाँ पे। टेक्सचर है मेरे पास यहाँ पे, अभी इसके अंदर भी टेक्निक का अलग अलग टेक्निक आती है, जैसे मैंने एक टेक्निक ये बताया, एक हैंड पेंट टेक्सचर है, एक आपको जैसे इसके जितने भी क्रैक्स हैं उनमें आपको अलग से पेंट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, तो वो भी पार्ट आपके यहाँ पे आता है। तो जस्ट मैंने एक बेसिक सा जल्दी से मैंने टेक्सचर को यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया, मेरे पास यहाँ पे कुछ काम करना तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। इधर से मैंने कुछ किया, इधर तो ऐसा यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे मैनुअल क्लिक एंड ड्रैग यहाँ पे मैं चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ। तो कलर करना ये भी आपको आ जाएगा, ठीक है, कैसे आप टेक्सचर यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे। इसमें आप चाहो तो अलग अलग टेक्सचर को भी डिटेल्स आप दे सकते हो आप यहाँ पे, छोटे छोटे पार्ट को थोड़ा सा आप टाइम दोगे तो चीज़ अच्छी दिखेंगी आपके पास यहाँ पे, ठीक है। तो माया से जीवस में आपको कैसे मॉडल लेके जाना है, ठीक है, आपने कैसे स्कल्प्ट किया, ठीक है, किस टाइप से आप टेक्सचर कर रहे हो आप यहाँ पे, लुक एंड फील आप कैसे दे रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ये देखो यहाँ पे, तो और आपको मैनेज करके लेके चलना पड़ेगा भाई कैसे आप चीज़ को फुलफिल कर सकते हो आप यहाँ पे। तो चीज़ों को थोड़ा सा आपको करने का आइडिया मिल जाएगा। देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, सिंपल सा पार्ट, चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करके दिखा दिया मैंने भाई मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है, इन पार्ट को मैंने यहाँ पे लिया और चीज़ों को मैं कैसे मैनेज करता हूँ। अभी इसके बाद छोटा सा एक टचअप और दे देता हूँ यहाँ पे, टेक्सचर मैंने यहाँ पे ऑफ कर दिया, टेक्सचर नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे, क्या चाहिए अभी मैं कलर पेंट करता हूँ। कलर पेंट मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से कलर पिक कर सकता हूँ, इसका थोड़ा डार्क कलर मैं यहाँ से ले सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी जो डार्क कलर को मैं यहाँ पे पेंट कर देखूँ हो रहा है कि नहीं हो रहा, मिक्स और रिबिक न्यू लेयर पे कर लो यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे चीज़ें दिख रही नहीं दिख रही, मैं तो ऐसा ग्रीन की तरफ ले जाता यहाँ पे, ठीक है, आरजीबी में इंटेंसिटी पूरी है यहाँ पे आ रही, पहले ये क्रॉस चेक करें यहाँ पे सबसे पहला काम, ठीक है। ड्रैग में है, ड्रैग में मैं फ्री एंड पे रहता हूँ यहाँ पे, ठीक है, फ्री एंड में मुझे यहाँ पे कुछ दिखे, यहाँ पे मैं मर्ज कर देता हूँ यहाँ पे, कुछ काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, इंटेंसिटी ठीक है, आरजीबी टेक्सचर मेरे पास यहाँ पे इट्स वर्किंग और नॉट। साइज बड़ा करता हूँ एक बार थोड़ा सा, ये हैंड पेंट टेक्सचर काम नहीं करेंगे पे, रेड करके देखेंगे यहाँ पे, शायद ये वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे, देखते हैं एक बार यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे सिंपल सा पार्ट आरजीबी मेरे पास यहाँ पे काम करना चाहिए लेकिन इट्स नॉट वर्किंग, लेट मी क्रॉस चेक, ठीक है। इस तो एक बार यहाँ पे देखो चैनल पे आकर देखना, चैनल पे दिखा रखा है कि छोटा सा एक स्टोन कैसे लिया है, उस पर कैसे काम करके पॉली पेंट पे, ठीक है। ये थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स आप देखोगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी, कई बार लाइक कुछ एक प्रॉब्लम हो जाती है इसमें आपको देखोगे तो पूरा इसमें प्रॉपर मैंने स्टोन मॉडलिंग बता रखा है, छोटा सा स्टोन कैसे ले रहे हो, ठीक है, उसमें कैसे क्या काम कर रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है, कलर वाइज कैसे पिक करके आप दे रहे हो आप यहाँ पे, तो डिटेलिंग वाइज कैसे आप चीज़ को मैनेज कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ आपको दिखेंगे यहाँ पे चीज़ों कैसे मैनेज करें, टेक्सचर को कैसे पेंट करें, तो पॉली पेंटिंग का पार्ट भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, तो व्हाट आई वांट आप लोग इसे ट्राई कर लेना। यहाँ पे एक छोटा सा टिप्स मैंने यहाँ पे दिया कि भाई मैं अगर चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ और ये अभी इज़ नॉट वर्किंग, तो मैं ठीक है फॉर टाइमिंग मैं प्रोजेक्शन टेक्सचर से ही मैं काम चला लूँगा पे, ठीक है। प्रोजेक्शन टेक्सचर से मैं आप चीज़ों को दिखा दूँगा मेरे पास कैसे डील करना है और किस टाइप से मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये पार्ट आपके यहाँ पे तो इसमें वर्कआउट करना पड़ेगा क्योंकि कैसे आप क्या काम कर सकते हो। तो छोटा सा पार्ट आप कैसे मॉडल कर रहे हो, कैसे स्कल्प कर रहे हो और टेक्सचर में कैसे आप दिखा सकते हो आप यहाँ पे, तो ये चीज़ आप दिखा सकते हो कि भाई हमने मैक्स या माया में कैसे मॉडल कर सकते हो आप यहाँ पे। दूसरी चीज़ कैसे आप यहाँ पे चीज़ों को डील करके दिखा सकते हो कि कैसे आपको चीज़ों को मैनेज करना है, स्कल्प कैसे करना है और अल्फा कैसे यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको एक बार देखना है यहाँ पे। बाद में एक चीज़ और यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे काम करता हूँ यहाँ पे हर एक चीज़ का एक लेयर वाइज लेयर हम लोग काम करते हैं यहाँ पे, लेयर को बाद में हम लोग कोलैप्स भी करते हैं, तो ये भी एक अलग अलग पार्ट में आएगा, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया,
सिंपल सा बात, मुझे अगर चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है तो मैंने स्विफ्ट एफ यहाँ पे स्विफ्ट एस कर लेना, स्नैपशॉट यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। तो आप यहाँ पे ऐसे भी दिखा सकते हो कि चीज़ों को आप कैसे दिखाना है, क्या ऐसा कुछ काम किया, ठीक है। तो स्विफ्ट एस करके यहाँ पे मैं चीज़ों को दिखा सकता हूँ, भाई मैंने यहाँ पे तो ऐसा कुछ काम करा था, तो मैं दिखाऊंगा कि किस टाइप से मैनेज कर सकता। तो प्रॉपर प्लेसमेंट कर लेना, ठीक है। 3D में जैसे आपका दिखाना है तो आप ऐसे थोड़ा सा दिखा सकते हो, ये पार्ट आपने ऐसे किया, ठीक है। स्विफ्ट एस कर दिया आपने, भाई स्नैपशॉट, ये स्नैपशॉट क्या है, जस्ट दिखाएगा कि आपने यहाँ पे थोड़ा सा स्कल्प किया, चीज़ों को मैनेज किया यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके भी आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, ओके। वन वन करके आप चीज़ों को दिखा सकते हो।